एक कमर्शियल फिल्म जैसी फिल्म नहीं है. इट इज़ अबाउट रियल बेस्ड सिनेमा एंड इट्स अ सिनेमा वे आई वुड लाइक टू ब्रिंग थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी एंड ब्रिंग इट एंड टेल देम अबाउट इट. जब ये कहानी मुझे मेरे डायरेक्टर टीनू ने सुनाई थी, मुझे तब से ही अच्छी लगी थी और मैं चाहता था कि किसी ने भी कोल माइनिंग के ऊपर उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में चलता है, कभी किसी ने फिल्म ज़्यादा बनाई नहीं थी. एक फिल्म आई थी काला पत्थर, और कमाल की बात है, एक ये सच्ची कहानी है, एक अच्छाई और सच्चाई के बारे में. जब मेरी इन्होंने जसवंत सिंह गिल साहब से बात भी करवाई थी, उनसे बात की मैंने, उन्होंने सिर्फ एक ही कहा था कि वैसे तो काफ़ी बातें की, फिर उन्होंने कहा था कि ये फिल्म तू सरदार बन के ही करना, पग ज़रूर पहनना. सर आंखों पे वो बात वैसे ही किया. एंड मैं नहीं जानता, बहुत कम इंसानों को जानता हूँ जिनके अंदर ये बहादुरी होगी कि जानते हुए कि इट्स अ श्योर श्योर शॉट डेथ, द पर्सन डिसाइड्स टू गो 350 फीट डाउन, जहाँ पानी का इतना बौछार है और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट हो रही है. मुझे नहीं पता कि मैं किसी को जानता हूँ जो कहेगा कि नहीं, मैं उनको बचाने जाता हूँ और ख़ुद चले गए नीचे. मैं हाल ही में एक अभी अंदर कुछ प्रेस वालों से बात कर रहा था, मैंने किसी को भी ऐसे ही पूछ लिया कि क्या आप अपने आप को कबर्ड में 15 मिनट बंद कर सकते हैं, तो जवाब नहीं आता है. इन लोगों की लाइफ ये 12 12 घंटे अंदर और फिर एक कैप्सूल के अंदर ऊपर से नीचे आना, एक लिफ्ट के अंदर करीबन ना करीबन 50 से लेके 60 लोग ऊपर से नीचे आते हैं, 35 40 के अंदर 45 के अंदर सब खत्म. सो आई व्हेन आई हर्ड दिस सब्जेक्ट आई वांटेड टू नो, इन्होंने मुझे काफ़ी नॉलेज दी उसके बारे में कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, हमें नहीं पता. मैं जानता हूँ एयरलिफ्ट जब बनाई थी तो मीडिया को बहुत कम पता था कि 1,70,000 लोगों को बचा के लेके आए थे. तो ये ऐसी कहानियाँ लाने मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है. पैडमैन के बारे में मैंने सैनिटरी पैड पे फिल्म बनाई थी, शौचालय पे फिल्म बनाई थी, मुझे अच्छा लगता है ये फिल्में लाना. जानता हूँ इसकी कमर्शियल वैल्यूज़ जो होती हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती. एक सिंगिस किंग अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से. नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO. लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें.